गमले को अल्लाह के फजल से 10 मिनट में ट्रॉलर में लैंड हो जाएंगे, मगर सबसे पहले तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, इतना लंबा सफर कर सकते हैं और खैरियत से अल्लाह ने करवा दिया है। बाकी ये कि सफर में बहरे अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हम वतनों के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआएं करती हुई आई हूँ। मैं सफर में की गई दुआ की बड़ी वैल्यू है। अच्छी, मेरी अम्मी बहुत क्रिटिकली बीमार हैं, कई सालों से बीमार हैं, उनकी भी फिक्र होती है। फिर कई बार मैं अमेरिका से, कैनेडा से भाग चुकी हूँ, ऐसी सिचुएशन हो गई कि भाग के मुझे आना पड़ा, कराची से तो जाना ही होता है। अल्लाह की रजा है कि उनकी सांसें चल रही हैं, बस अभी भी दिल को सौ तरह के ख्याल आते हैं, वक्त आना तो है नहीं। ख्वाहिश ये होती है कि अपने प्यारों को अपने सामने खुद रुखसत करें। और फिर मुल्क में जो हालात हैं, सियासी हालात, झगड़े फसाद, लूटमार, सैलाब, मुझे इतना दुखी कर देता है कि किसी खुशी का पता नहीं रहता। तो मैं अपने बच्चों से मिलूंगी, अल्लाह उनको जिंदगी दे, नवासों से मिलूंगी, बड़ी खुशी हो रही है। अवार्ड में भी जाहिर है आज हम इकट्ठे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इतने खुश हों कि अपने मसाइल भूल जाएं। दुआ करें हमारा मुल्क हमारी आंखों के सामने ही वो जाती तौर पर ठीक हो जाए, रहने के काबिल हो जाए, लोगों की जिंदगी में कुछ आसानी पैदा हो और लोग वहां पे सुकून से